मैंने गुजरात देखा है, मैंने राजस्थान देखा है, ई मित्र सिस्टम देखे हैं। तो आज इंडिया के अंदर 7,000 याद रखना, रेवेन्यू वाले काम रखना, सोशल जस्टिस वाले काम रखना, और उसके साथ में आप एक नाम की, और ये बहुत आसान है। डिजिटल इंडिया ने ये करके मेरी पहचान, मेरी पहचान आम आदमी के काम से मुझे बताओगे, ये बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ऐसे सिस्टम तैयार होना, और फाइनली सबसे खतरनाक काम होता है वो ये होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम हमारे स्टेडियम रहे वेलकम। ये आ सके रख लो, इधर से करेंगे, इधर से बहुत ज्यादा बच्चों में है सर, इसके लिए लगभग होटल में जाता है तो यहाँ पे जब वो आपस में मैच नहीं होता है तो वो तो फिर थोड़ा सा डाउन हो गया। फिर वेरीफिकेशन की क्या क्या सर्विसेज हैं जी ऑनलाइन, डिजिटल वीक जो है पूरी यूटी में हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने मनाने का फैसला किया, और आज उसको ऑनरेबल एलजी साहब ने एसकेआईसीसी श्रीनगर से जो है वो लॉन्च किया, और उसमें सभी ज़िलों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आज जो है डिजिटल मेले की तकारीब जो है वो मनाई जा रही हैं। हमने उस इनॉग्रल सेरेमनी में यहाँ से डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम से पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे उसके बाद हमने जो है वो स्टॉल्स को, जो 25 स्टॉल्स लगे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको अब हमने जो है वो इनॉग्रेट किया। उसमें हमारे यहाँ पे जो है वो हमारे DDC मेंबर्स, BDC चेयरपर्सन, PRIs, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स, और बाकी जो है वो सिविल सिटीजन्स, इसमें एक भरपूर शिरकत हुई है यहाँ पे, और बड़ी तादाद में जो है वो सभी सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया है। और इसका मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट का जो एक विजन और मिशन है कि हमको डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करना है, ऑनलाइन सर्विसेज को प्रमोट करना है, ये जो मेला है इसका मकसद है कि उस मिशन को पॉपुलराइज किया जाए, उसको जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको पता लगे कि ये जो 200 के करीब सर्विसेज जो हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और इनको ऑनलाइन ही एक्सेस करना है, आपको जो है वो कहीं चल के किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, और लोग जो है वो आसानी के साथ इन सर्विसेज को हासिल कर पाएँ। शुक्रिया, थैंक यू।